Doar. আজ বড়ি খুশি হয়ে তিন ভাইও কো এক সাথ এক রা आज आपने फाड़ कर देख ले दशहरा मैदान में क्या माहौल है। साथियों 23 तारीख को तूफान आने वाला था, इसका संकेत एक दिन पहले ही बता दिया गया जो आज आप इस पांडाम में देख रहे हो। और वो मंदिर के भिखारी, वो भगवान के भिखारी आज हमसे डरने लगे हैं। अरे हवा कर रहा हूं तुमको रोड में उतरने की आवश्यकता क्यों है? अरे बोल दो मेरी सेवा नहीं देता को है तो सिटी खत्म कर दे, लेकिन उनमें वो औकात नहीं है, वो ताकत हमारे संविधान में है। तुम लोग गुलाब जामुन खाकर रोड पर उतरे हुए, मिर्ची रोटी खाने वाले भी मैदान में है। मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने कहा है अभी कलम से लड़िए, वरना हमको बिरसा मुंडा और टिंडिया मामा बनने में कोई देर नहीं है। तुम सड़कों पर उतरते हो, तुम हमारे खिलाफ नारे लगाते हो, तुम हमारे खिलाफ मुंडन कराते हो। ध्यान रखना, वक्त सबका आता है और हमारा वक्त आ गया है। नकली मामा होगी और इस प्रदेश की राजधानी पर राहुल होकर उसको चैलेंज कर रहा हूं कि दो मुंह वाली बात हमारे सामने मत करी है ना। हम बनाना भी जानते हैं और गिराना भी जानते हैं, और आपका भी वक्त आ गया है। बोलता है जांच होगी उसके बाद एफआईआर करती होगी। अच्छा बोला सिखिया है भाई, तू जब तेरी भट्टी है अरे सबको मैं कुछ कर हो सकता है दोस्तों, तो लेकिन युवा जो थे उनको रहा है जब तुम्हारी भट्टी तो कौन जुट के हमारे मंच को दौड़ कर आए, और जब तुम्हारी भट्टी तो हमारे दो कार्यक्रम तुमने स्थगित करवाए। एससी और ओबीसी समाज मिलकर तुमको बताने वाला इस पांडा जितने भी लोग उपस्थित है उनको मैं कहना चाहता हूँ, अभी इस देश में माहौल बनाया जा रहा है, कुछ एक सेना हमारे खिलाफ काम कर रही है, एक सेना जो हमारे खिलाफ काम कर रही है, मैं उनको कहना चाहता हूँ एसटी एससी ओबीसी समाज के पास एक खतरनाक सेना है, वक्त नहीं लगेगा। एक तारीख को तुमने बंद करवाया, अरे दुकानें तुम्हारी थी तुमने बंद कर ली और उसको तुम सबल बंद बोलते हो, अरे सबल मां सबल बंद तो हमारा तो प्रेम का था। हम तो जंगल से आकर तुम्हारा शहर बंद करवाए थे, तुम्हारे में हिम्मत है तो शहर से आकर जंगल बंद कर दे। आपको डरने की आवश्यकता है, आपके साथ एक समाज का युवा तैयार खड़ा बैठा है और बहुत जल्द परिवर्तन हम इस प्रदेश में भी करने वाले हैं। और मैंने शुरू से कहा है इस प्रदेश के योगी मुख्यमंत्री को मैंने आज तक अपना मामा नहीं माना है, क्योंकि मेरा मामा मामा है मेरा मामा। और बात करते हैं उस मामा की, अरे मामा कहाँ
डालो आपसे, हमारे पास सामने बहाने की बात मत करो। दोस्तों हमेशा से यही दिक्कत रही है, बोलना बहुत कुछ होता है लेकिन मंच से आवेश हो जाता है, कुछ नहीं बोलना है, वक्त आपका कम है। तो साथियों इस मंच के माध्यम से बोलिए बोलिए, जितना भी संचालन करताओं ने समझ दिया, मैं उन सबका कोटि कोटि संपत्ति है वो लोग आज हमारे खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। उनसे कहना चाहता हूं, तुम महलों में रहते हो, तुम बंगलों में रहते हो, मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि तुम कहते हो कि आरक्षण प्रतिभा की हत्या कर रही है, अरे प्रतिभा की हत्या तो तुमने की है। साथियों महलों में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले अब हमसे आगे थे, महलों में रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाले कब हमसे आगे थे, अरे एक लोग में कांगुटा अगर नहीं मांगा जाता तो महाभारत का इतिहास। तो साथियों मंच की कुछ गरिमा है, इसलिए मैं अपना वक्तव्य यही समापन करता हूँ और एक लोग जज्बा जुनून बनाए रखिए, आपके साथ पूरे प्रदेश का एसटी ओबीसी समाज यहाँ पर एकत्रित है। जय हिंद, जय आदिवासी।